अगर दिल्ली में 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होती है तो जल स्तर कम होने में समय लगेगा। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, लास्ट रेन तक हमने तकरीबन 200 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें से 40 हॉटस्पॉट्स पीडब्ल्यूडी की रोड से हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसीटीवी कैमरा की भी मॉनिटरिंग में रहते हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अगर 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी का लेवल नीचे जाने में समय लगेगा। 228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है, और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है। क्योंकि पहले ड्रेन से पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद सड़कों से जो ड्रेन लेके उनमें ड्रेन से पानी लेके जा रहा है, उसके बाद सड़कों से पानी ड्रेन आउट होगा। हमारी तमाम माहिती थी। अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो SNI न्यूज साथे।